रहा था। अच्छा हुआ कि हम इवनिंग से ही मालूम पड़ गए, नहीं तो रात को जैसा वो साउंड कंटिन्यू था तो ऐसा लग रहा था कि कोई जंगली जानवर आ रहा है। तो वो थोड़ा मतलब डर वाला माहौल था। नमस्ते, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग, ए कैंपिंग ब्लॉग। और ये टाइम जा रहे हैं दोस्त लोग के साथ, क्योंकि हम पूरा रॉ कैंपिंग करेंगे, रैंडम लोकेशन पे कैंपिंग करेंगे। पूरा बारबेक्यू फारबेक्यू पूरा सेटअप है। आज बहुत मज़ा आने वाला है। फैमिली के साथ ये जगह, ऐसा जगह पे हम कैंपिंग नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा सिक्योरिटी रिस्क रहता है। इसलिए तीन और दोस्त लोग हैं मेरे साथ, तो टोटल चार लोग हम कैंपिंग करेंगे। आप लोग को वैसे दिखाऊंगा कौन सा जगह है। पहले मैं दिखाता हूँ मेरा गाड़ी, मतलब कितना पैक है आप देख लीजिए पूरा। मतलब लोग पूछते रहते हैं आप सामान कहाँ रखते हो, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसा सामान मैं पैक करता हूँ गाड़ी में, कौन सा जगह पे क्या रहता है। चलो, ये देखो पूरा पैक है। इधर वाटर बॉटल, इधर बॉकेट, ये हमारा स्लीपिंग का सारे आइटम, टॉयलेट, कैंपिंग चेयर, और इसके अंदर गैस, कैंपिंग चेयर, ये सारे चीज़ डाला हुआ है। उधर दिखाऊंगा उधर पहुंचने के बाद। और पीछे दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हमारा सब ग्रोसरी का आइटम। इधर आयुष्मान, और इधर हमारा सब स्टोव, बाकी सब आइटम ये हम कैरी करते रहते हैं, क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल बैग्स ट्रैश फेंकने के लिए। तो ये है, मैं वेट कर रहा हूँ मेरा दोस्त लोग को, मतलब तीन लोग आएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल 1 o'clock हो रहा है, मुझे लगता है एक डेढ़ घंटा और लगेगा। किधर तो बारिश हो रहा है तो रुके हुए हैं। चलो, उनको आने के बाद आपसे मिलाता हूँ। आप लोग तो बहुत सारा लोगों को तो पता ही रहेगा, वो लोग बेसिकली मेरे साथ कैंपिंग के लिए जाते रहते हैं, दो तीन ब्लॉग में है ऑलरेडी। चलो, मिलाता हूँ आपको वो लोग आने के बाद। चलो, फाइनली आ गए ये लोग। आजा, हाँ लगा, खोल। बहुत दिन के बाद हम मिल रहे हैं दोस्त लोग फिर से एक ट्रिप पे, कैंपिंग ट्रिप पे। संजय, श्याम, लालतू, हाय फ्रेंड्स। चलो मिलते हैं उस जगह पे। हम इधर रुके हैं, थोड़ा दही वही लेंगे, चिकन भी लेंगे क्योंकि मैरिनेट करना है, और पानी पूरी भी दिख गया, तो पानी वरी फानी खाते हैं फिर निकलते हैं। और क्या हालचाल भाई लोग, बारिश होगा तो फिर हमारा बारबेक्यू का क्या होगा, इसका तरीका है। देखते हैं, बारिश का टाइम है, बारिश तो होगा ही। अब आएगा मजा। आ गए ऑलमोस्ट स्पॉट पे। फुल सीनिक रूट। हाँ, कितना सारा है, डिफरेंट डिफरेंट। नहीं, ये वाला है। अरे हाँ हाँ, वही वाला, वही वाला ठीक है, बात कर रहा था। अनोखा है यार, मतलब रेड है, मतलब पिकअप जैसा दिख रहा है, और सर है रेड कलर का। पहुंच गए हम। मैं पहले भी बताया था कि इधर आएंगे, ये जगह इतना अच्छा लग रहा था कि एक बार आएंगे फिर से कैंप करेंगे। हाँ, वही आर्कावती रिवर बैक वाटर के साइड पे फिर से आए हैं हम लोग।
दोस्त लोगों के साथ आए हैं, आज कैंप करेंगे पूरा बाबेक्यू फाबेक्यू मस्त, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। अभी हम मैरिनेट कर रहे हैं चिकन, उसके बाद टेंट सेटअप करेंगे, जस्ट सनसेट हो रहा है, देखते हैं कैसा चलता है, मज़ा तो बहुत आने वाला है यार। सो लालतू इज इन एक्शन मैरिनेटिंग चिकन, श्याम एंड लालतू। मसाला आउ जीवो ना नहीं जा कुछ नहीं, इधर नमक है, इधर छड़ छड़ ओके तो ठीक हो। सुबह देखेंगे फिस होगा तो किसी को बोलेंगे यार। ये कोराकल वाला वो किधर गया, उसको बोल सकते थे राइट, चला गया ना उधर ही है ना। ओके तो हमारा सेटअप भी हो गया, अभी सनसेट हो चुका है तो थोड़ी देर में हम बारबेक्यू का सेटअप करेंगे। थोड़ा सोच रहे हैं कि इवनिंग और थोड़ा हो जाने दो, अंधेरा टाइप हो जाने दो, तभी जाके हम लगाएंगे कैंप। तो हम गाड़ी में दो जन और कैंप में दो जन, तो चार जन के लिए तो ये पूरा कंफर्टेबल सेटअप है। आपने तो देखा है, चार जन के लिए जितना हम सामान भी लेके आए गाड़ी में कंफर्टेबली हम रख लिया उसमें, और दो जन टेंट पे इसमें तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और धीरे धीरे से हवा चल रहा है, मज़ा आ रहा है, पंछियों का आवाज़ मस्त, मज़ा आ रहा है। आप लोग को दिखाता हूँ बारबेक्यू जब सेटअप करेंगे, कैंप सेटअप करेंगे तभी आपको दिखाऊंगा। हमारा टेंट सेटअप भी रेडी हो गया क्योंकि इवनिंग हो चुका है, रात हो गया ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो। लेकिन यार जो पेड कैंपिंग रहता है, पेड कैंपसाइट, और उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है, क्योंकि इसमें ना इसमें पूरा नेचुरल फीलिंग आता है। नेचर में हम तीन चार लोग दोस्त है बस, और कुछ भी नहीं है इधर। लेकिन आप पेड कैंपिंग में जाते हो तो उधर क्या होता है, पूरा ग्रुप ऑफ पीपल रहता है। लेकिन लास्ट टाइम आपने नोटिस किया रहेगा राइट, कम से कम 50-60 लोग थे उधर, तो उधर ना ऐसा कैंपिंग का मज़ा नहीं आता है। कैंपिंग में क्या है, थोड़ा सुकून भरा माहौल चाहिए रहता है, और काइंड ऑफ प्राइवेसी हमारा खुद का, मतलब और कोई है नहीं इधर, तो उसका मज़ा कुछ अलग ही रहता है। अभी हम बारबेक्यू का सेटअप कर रहे हैं, अंधेरे अंधेरा तो हो गया ऑलरेडी, और आप लोग भी हमारे साथ वर्चुअली एंजॉय कीजिए हमारा बारबेक्यू और कैंपिंग। सिर्फ तंदूरी मसाला, हाँ वो भी ले लो ना, सॉल्ट हाँ सॉल्ट वही हो गया स्टार्टर, अभी तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो ही नहीं रहा था ना। सिंपल कौन सिंपल कौन सिंपल ही अच्छा लगेगा, हो गया स्टार्टर है बारबेक्यू का चारकोल। नाउ वी आर डूइंग द प्रीहीट, प्रीहीट हां ओके, हां थोड़ा साइड में ही, हां वेजिटेरियन का डिलाइट है ये, पनीर टिक्का कॉर्न, उसके बाद हम नॉनवेज वाले मस्ती करेंगे। डाल दे डाल दे डाल दे डाल दे भाई, कौन तक खड़ा
क्या भाई मौज कर दी? मौज हो गया मौज। लाल तो कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। सही गली चली हो मौसम रही हो। कौन लाग दूला है मौसम? टेस्ट तो जबरदस्त है। जबरदस्त टेस्ट है। टेस्ट जबरदस्त है। रात में ऐसा जगह का कैंपिंग करने का ना उसका मज़ा ही कुछ अलग ही रहता है यार, क्योंकि लेक के साइड पे है, लो लाइट कंडीशन में मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता जगह कैसा दिखता है, लेकिन ये पूरा मतलब स्टार्स के नीचे ये जो फीलिंग रहता है ना ये पूरा नेक्स्ट लेवल का रहता है। आप लोग ही सुन लो मेरा दोस्त लोग का मतलब कैसा फीलिंग है ये जगह का, जगह के बारे में, ये कैंपिंग करने के बारे में, ये बाबू के बारे में। लेक के बाजू में है, बेंगलोर से लगभग 60 किलोमीटर। अंधेरी रात, तारे, चांद और हमारा बारबेक्यू यूनिट, और हम बैठे पनीर और मक्के के साथ। सैटरडे आज, कल होगा चिकन। कल मतलब 12 बजे के बाद तो हो ही जाएगा। हाँ मतलब वही रेडी तो है, कल खाएंगे। लेकिन ऑसम है, बहुत मजा आ रहा है, चल रहा है, अभी देखते हैं सुबह। बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि ये तो हम लोग आए बैंगलोर से ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि हम लोग का प्लान था कि वही शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, 1 घंटे के अंदर हम लोग 1.5 घंटे के अंदर पहुंच गए। और एडिशनली उसके ऊपर हम लोग को पहली बार हम लोग का बारबेक्यू एक्सपीरियंस है, जो कि एक बहुत ही अच्छा लग रहा है। हवा आ रहा है, इट्स फुल मून स्काई एंड अभी रिवर है। लेकिन ये जो क्लाउड्स है, स्टार्स है ना, और ऐसा नहीं कि कुछ अरेंज ऑर्गेनाइज्ड है। हाँ, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि बारिश होगा, बारिश होगा, कुछ खराब हो जाएगा, मेरा टूर कुछ खराब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी वेदर भी बहुत अच्छा है, तो सब कुछ स्मूथली जा रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। एंड चलो खाने का आनंद लेते हैं। और संजय आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अरे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आप लोगों को पता है फ्रेंड सर्कल के साथ रहने से कितना मज़ा आता है। और ये जो है ना, इस तरफ से हिल है, इस तरफ से लेक है, और बीच में हम लोग आज यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं विथ बारबेक्यू एंड विथ ऑल ऑफ माय क्लोज फ्रेंड्स, राइट। तो ये तो ऑलवेज अच्छा रहेगा, और हम लोग तो वही बोल सकते हैं, आप ऐसे कभी चांस मिला तो एंजॉय कीजिए कैंपिंग का, नेचर का जो मज़ा है ना वो एंजॉय कीजिए, तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। सो हमारा डिनर भी कंप्लीट हो गया, बहुत ही मज़ा आ रहा है। 11 o'clock हो रहा है, हमको अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं, लेकिन क्या करें, जाना तो है। बैठ रहे हैं सही, लाइट है, हमारा जो गैजेट्स रहता है ना वो मस्त है, हम जो पावर बैंक है उसमें लगा दिया हमारा लाइट, और वो चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर कोई नहीं, ऐसा एक दो लोग देखा हम इधर, लेकिन वो लगता है कि मछुआरे हैं, रात को आते हैं इधर, क्योंकि नेट लगाए हैं। और उन लोग को हमने बोला भी है अगर मच्छी मिलेगा तो सुबह देना हम लोग को, देखते हैं। अगर वो मिलेगा तो ओबियसली मैं कवर करूँगा ब्लॉग में। अभी तो फ़िलहाल जाते हैं टेंट के अंदर, 2 जन गाड़ी के अंदर, हमारा कारवन के अंदर, और 2 जन टेंट के अंदर, और आप लोग से मिलूँगा मैं सुबह फिर से, और दिखाऊँगा क्या क्या हो रहा है, और मैं एक एरियल व्यू भी दिखाऊँगा ओबियसली, ये टेंट के साथ कैसा दिख रहा है, राइट, ये जगह पूरा कौन सा जगह पे है, कैसा हम कैंपिंग कर रहे हैं, तो एक एरियल व्यू तो बनता ही है। तो मिलते हैं सुबह, चलो टेंट के अंदर चलते हैं। हेलो, ऑल सेट? गुड नाइट गाइस। गुड नाइट। आई एम गोइंग टू स्लीप इनसाइड माय ओन कैंपर वैन। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। See you tomorrow morning with 4 kgs of fish. चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो चलो चलो। लेकिन मस्त है, कंफर्टेबली डाल दिया हमने, सुपर घर जैसा ही कंफर्ट है। गुड नाइट गाइस।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रात को ना 12 बजे तक हम इधर बैठे थे, मतलब तारों के नीचे जो अद्भुत सा एहसास ना, वो मतलब नेक्स्ट लेवल। बहुत टाइम तक बैठे रहे, बातचीत कर रहे थे, उसके बाद सो गए। ये जो हवा चलता है ना, वो हवा चलने के चक्कर में थोड़ा बहुत साउंड आता है वो टेंट में, क्योंकि जब गाड़ी के अंदर रहते हैं इतना तो मालूम नहीं पड़ता और ज़्यादा सेफ महसूस होता है गाड़ी के अंदर सोने में। लेकिन बाहर ये हवा के चक्कर में ना थोड़ा बहुत साउंड आता है और उसमें ऐसा लग रहा है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ऐसा करके थोड़ा बहुत नींद तो टूटा। और ऐसा पानी के अंदर जो बुशेस है ना, उसमें कुछ तो पंछियाँ, मतलब इवनिंग से ही हमको मालूम पड़ रहा था, कुछ तो एक अजीब सा साउंड आ रहा था। अच्छा हुआ कि हम इवनिंग से ही मालूम पड़ गए, नहीं तो रात को जैसा वो साउंड कंटिन्यू था तो ऐसा लग रहा था कि कोई जंगली जानवर आ रहा है। तो वो थोड़ा मतलब डर वाला माहौल था, बीच बीच में इसलिए नींद टूट रहा था। लेकिन ओवरऑल तो कैंपिंग एक्सपीरियंस तो मज़ा ही रहता है ऐसा रैंडम लोकेशन पे। चलो हम पूछ रहे हैं, अगर कुछ मच्छी का अरेंज हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो क्या करेंगे, चाय पियेंगे और निकलेंगे। टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7 o'clock, धूप भी आ गया, तो 10 बजे तक तो धूप तेज हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा धूप में। इधर तो छाँव भी नहीं, इधर पेड़ वेड़ ज़्यादा नहीं है। देखते हैं, हम मच्छी का इंतजाम करते हैं, तब तक आप देखिए हम कहाँ पे हैं, एक एरियल शॉट। भाई मच्छी भी हम लोग को मिल गया। फिश मैरिनेट हो रहा है, अभी चाय बना लेते हैं, लेमन टी। हमारा जो चारकोल था ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, इसीलिए ज़्यादा जला नहीं वो, 50% तो उसमें किए। उसके बाद हमारा प्लान भी जो गैस है उसमें अभी फ्राई कर रहे हैं फिलहाल। 50% फिश तंदूर में हो गया, 50% तावे में, जल्दी भी हो जाएगा। कैसा है, मस्त लग रहा है? कौन सा तंदूरी वाला टेस्ट करना है कि फ्राई वाला? फ्रेश फिश का मजा ही अलग रहता है यार। कितने लोना दबता है? ये हाँ, ब्लू कलर। इधर ना बहुत लोग फिशिंग भी कर रहे हैं,
मतलब लोकल, ऑब्वियसली लोकल रहेंगे। मुझे लगता है फिशिंग आप लोग भी आके कर सकते हो। वो तेलपिया कौ वो जो है ना, वो वाला फिश बहुत ज़्यादा है। लास्ट टाइम भी हम आए थे वही वाला था, मिला था एक, और ये टाइम वही मिला, तो वो वाला फिश ज़्यादा है लगता है। लगभग 2 किलो का फिश 150 रुपये में हम लोग को दिया। एक्चुअली आप लोग को भी अगर फ्रेश फिश चाहिए तो आप लोग इधर 7 o'clock को आ सकते हो। ये लोग जो कोराकल में मच्छी पकड़ते हैं, राइट, डायरेक्टली आप उन लोगों से खरीद सकते हो। अभी वैसे आज का ये पूरा कैंपिंग ट्रिप का बस इतना ही इम्पोर्टेंट चीज़। हम क्या करेंगे, पूरा जगह को क्लीन कर देंगे, जितना हम ट्रैश फैलाए इधर सारे क्लीन कर देंगे, क्योंकि हमारे पास वो कैरी बैग हम लेके आते हैं, गार्बेज बैग लेके वापस जाएंगे। जगह को जैसा जैसा आने के टाइम पे था वैसा छोड़ के जाएंगे। आप लोगों से फिर से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नया लोकेशन पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।